हेलो गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज डिस्कस करने जा रहा हूँ कि सेफ एंड क्लीन एट वर्क। आपको काम करते समय, किचन काम करते समय किस किस टाइप का आपको ऑथराइज या जानकारी होना या सिस्टम क्राइटेरिया जो भी है आपको जानना जरूरी है, इसके बारे में डिस्कस करता हूँ। आज मैं मेरा जो चैनल है यूट्यूब चैनल लालबाग थापा, इसमें हाइजीन एंड फूड सेफ्टी के बारे में डिस्कस करता हूँ। उसके बाद जो थापा वी ब्लॉक्स है, इसमें मैं जिधर रहता हूँ उस लोकेशन का क्या क्या है, गार्डन कैसा है इसमें इधर, इस सब मैं इस वीडियो के जरिए थापा वी ब्लॉक्स के जरिए मैं इसमें शेयरिंग करता हूँ। आप लोग विजिट कर सकते हैं सब्सक्राइब करके। ओके, चलिए टॉपिक की तरफ चलते हैं। आज सेफ एंड क्लीन एट वर्क चेकलिस्ट क्या है, क्या क्या होना चाहिए, ऑथराइज क्या क्या होना चाहिए, उसमें इंटर द किचन में होने के बाद आपको क्या क्या होना चाहिए, मैं आप लोगों को इस पर डिस्कस करूँगा। मैं छः आपका जो टॉपिक है उसमें आपको डिस्कस करूँगा। फर्स्ट आता है आपको यूनिफॉर्म्स द ड्रेस। यूनिफॉर्म मीन्स ड्रेस कोड, जिधर भी एज फॉर योर कंपनी किधर भी आप काम करते हैं उधर यूनिफॉर्म या ड्रेस होना बहुत जरूरी है। जैसे कोई भी कंपनी में एक ड्रेस है, कोका कोला कंपनी जो है कोका कोला कंपनी का एज फॉर योर कंपनी ड्रेस कोड कुछ भी हो सकता है। उसके बाद ये स्पेशलिस्ट तो ये जो चेकलिस्ट है इसमें आपको स्पेशली किचन के लिए ये है। ओके, चलिए आज डिस्कस करते हैं। सेकंड नंबर में आता है आपको वेयर योर द हैट, माने आपको कैप पहनना बहुत जरूरी है या हैंड हैट पहनना बहुत जरूरी है इन द किचन। किचन में एंटर होने का में एक ऑथराइजेशन जानकारी होना बहुत जरूरी है। उसके बाद चलते हैं सेकेंड नंबर में वेयर योर द एप्रोन। आप किचन स्टाफ है उसमें आपको एप्रोन पहनना थर्ड में बहुत जरूरी है, क्योंकि आपका ड्रेस है गंदा देखने से बैड लुक्स आता है, इसलिए अच्छा स्मार्ट या तो अच्छा देखने के लिए एप्रोन पहनना बहुत जरूरी है। उसके बाद अच्छा चार नंबर में वेयर योर द ग्लोव्स। ग्लोव्स पहनना, हैंड ग्लोव्स पहनना बहुत जरूरी है, इस ये फूड सेफ्टी के उसमें आता है। डायरेक्ट छुएगा आपको क्रॉस कन्वेंशन हो जाता है, कुछ भी हो सकता है, इधर छुए उधर छुए उसको डायरेक्ट फूड में छुए ये क्रॉस कन्वेंशन हो सकता है, इसलिए हैंड ग्लोव्स यूज करते हैं। डॉक्टर लोग भी कुछ भी हो जाता है तो ऑपरेशन थिएटर में कुछ भी काम कर समय में जो भी है जो भी चीज पे एज पर योर कंपनी हैंड ग्लोव्स मतलब पहनता है, इसलिए हैंड ग्लोव्स पहनते हैं। अलग अलग सिस्टम का अलग स्तर, जैसे डिश वॉश का सिस्टम का अलग हैंड ग्लोव्स है, उसका होता है हाउसकीपिंग का सिस्टम का अलग से, जो भी है जो भी जिधर भी जो काम करता है, ओवन ग्लोव्स, ओवन में भी आप जब काम करते हैं हॉट रेंज एरिया में काम करते हैं उस वजह उधर भी आपको हैंड ग्लोव्स दिखाई पड़ेगा, अलग अलग सिस्टम का क्राइटेरिया का हैंड ग्लोव्स दिखाई पड़ेगा। चलिए पांच नंबर आता है आपको वेयर नॉन स्लिप्स द शूज। इसमें नॉन स्लिप मतलब जो शू आपको स्लिप नहीं करता, इन साइड में किचन में आपको वाटर रहता है, तेल रहता है, जो भी चीज केमिकल जो रहता है उधर जो क्लीनिंग कर समय उसको एक साइन बोर्ड और ये सेफ्टी शू पहनना बहुत जरूरी है। साइन बोर्ड रहना जरूरी है, उसके बाद काम कर रहे हैं उधर सेफ्टी शू पहनना बहुत जरूरी है ताकि स्लिप ना हो, यह आपको सेफ्टी के लिए। उसके बाद छह नंबर में आपको आता है पर्सनल हाइजीन। पर्सनल हाइजीन में प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ, आप लोग विजिट कर सकते हैं। पर्सनल हाइजीन में क्या है कि नीट एंड क्लीन होना बहुत जरूरी है, जैसे हेयर शॉर्ट करना पड़ेगा, फूड सेफ्टी इंडस्ट्री में आपको नेल क्लीन करना पड़ेगा, डेली शावर लेना पड़ेगा, डेली नया नया यूनिफॉर्म पहनना पड़ेगा, नीट एंड क्लीन यूनिफॉर्म पहनना पड़ेगा। उसके बाद जो भी है ईयर माउथ नोज आइज चीक फेस एवरीथिंग, जो शू डॉटी शू, उसके बाद ड्रेस यूनिफॉर्म, ये तो नीट एंड क्लीन होना पड़ता है, ये है पर्सनल हाइजीन। उसका बाद आप कहते हैं रेडी, जो चेकर है
उसके बाद आपको बोलेगा रेडी नाउ यू कैन स्टार्ट वर्किंग, आप अंदर जाकर काम कर सकते हैं। उसके बाद है ऑथराइज पर्सन, उसमें लिखा रहता है ऑथराइज पर्सन। इसी तरह से आपको किचन में काम कर समय आपको ये सब क्राइटेरिया सिस्टमेटिक्स जानकारी होना बहुत जरूरी है। ओके थैंक यू सो मच, यही मेरा छोटा सा टॉपिक था इस वीडियो के जरिए। आप लोग अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं। उसके बाद जो मैं इस टाटा बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो क्लिप में आपसे मुलाकात होता हूँ। इसी के चलते मैं साइन आउट करता हूँ मेरा वीडियो में। ओके थैंक यू सो मच।